आज की वीडियो में हम आपको पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड कुछ ऐसी जरूरी जानकारी देने वाले हैं जिन्हें आप पहले कभी नहीं जानते होंगे। तो गाइस देखिए, आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है सारी दूर होने वाली है। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब अगर हम यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। इसकी कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पेटीएम पोस्टपेड, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट स्कोर। तो गाइस सबसे पहले हम आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करा देते हैं। तो यहाँ पर हम फ्री क्रेडिट स्कोर ऑप्शन पर इस तरीके से हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद तो गाइस यहाँ पर इस तरीके से क्रेडिट स्कोर का पेज ओपन हो चुका है और आप यहाँ पर मेरा क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं 760 है आउट ऑफ 900। तो 900 में से 760 हमारा ये क्रेडिट स्कोर है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया है, एक्सीलेंट है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं और अच्छी लिमिट अगर आप पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 700 से ऊपर होना चाहिए। 700 से ऊपर की क्रेडिट स्कोर को बहुत ज्यादा एक्सेलेंट माना जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा अच्छी लिमिट मिल जाती है और हो सकता है 0% चार्ज पर हमें वो लिमिट मिल जाए। तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो गाइस देखिए, मुझे पेटीएम की तरफ से 60,000 रुपए की पोस्टपेड की लिमिट मिली हुई है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 60,000 रुपए के टोटल पोस्टपेड लिमिट को मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और यहाँ पर मैं आपको लाइव पासबुक में दिखा देता हूँ, यहाँ पर 33,000 रुपए की आप ये दो ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। तो 33,000 रुपए करके टोटल 60,000 रुपए मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और एक भी रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगा है। और गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड में कैशबैक से रिलेटेड अगर हम कोई ऑफर देखना चाहें तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने पर बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं जिन्हें एक्टिवेट करके हम कैशबैक भी पा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस तरीके से बैक आ जाएंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोन अकाउंट डिटेल का, यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पोस्टपेड लिमिट आ चुकी है हमारी 60,000 रुपए की। नीचे की साइड अकाउंट स्टेटस में एक्टिव लिखा हुआ है। अगर हमारी पोस्टपेड लिमिट एक्टिव होती है तो एक्टिवेट इस तरीके का लिखा होता है, लेकिन अगर हम पोस्टपेड का ड्यू बैलेंस पे नहीं करते हैं या फिर पोस्टपेड की लिमिट हमारी बंद हो जाती है तो यहाँ पर ब्लॉक या फिर क्लोज लिखा हुआ आता है। पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को अगर हम फिर से पे कर देते हैं तो ये जो हमारा अकाउंट स्टेटस है ये फिर से एक्टिवेट हो जाता है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ कन्वीनियंस फीस, तो यहाँ पर कन्वीनियंस फी में 0% लिखा हुआ है। इसका मतलब पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को हम जितना मर्जी यूज करें एक भी रुपए का हम पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, 0% ये है। तो गाइस यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, पेटीएम पोस्टपेड की इस लिमिट को मैंने 29 अक्टूबर 2022 को मैंने एक्टिवेट किया था। इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को आप एक्टिवेट करके 60,000 रुपए की आप लिमिट पा सकते हैं। और गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड की ये जो लिमिट होती है ये 2 साल के लिए वैलिड होती है। अभी 2023 चल रही है, लगभग मैंने 1 साल तक पेटीएम पोस्टपेड की इस लिमिट को मैंने यूज कर लिया है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और ये जो हमारी लिमिट है ये 30 अक्टूबर 2024 को एक्सपायर हो जाएगी, 2 साल तक के लिए ये वैलिड रहती है। 30 अक्टूबर 2024 के बाद जब ये एक्सपायर हो जाएगी तो एक बार फिर से हमें पोस्टपेड लिमिट को एक्टिवेट करना होगा। हो सकता है आगे कभी पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के और काफी ज्यादा बढ़ के मिले। अभी पेटीएम पोस्टपेड की मैक्सिमम लिमिट हमें 60,000 रुपए की मिल रही है, लेकिन आगे हो सकता है 1-1.5 लाख रुपए तक की लिमिट भी हमें मिल सकती है। तो गाइस चलिए अब हम आपको ऑटो पे के बारे में बता देते हैं, ऑटो पे क्या है और इसका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड की जितनी लिमिट को हम यूज करते हैं या फिर जितने बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसका जो बिल होता है वो महीने की 1 तारीख को बनता है और 7 तारीख तक हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हमारे पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस की पेमेंट हो जाती है, जो भी हम बैंक अकाउंट सेटअप करके रखते हैं इसमें। तो चलिए यहाँ पर हम ऑटो पे पर इस तरीके से क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमने कोई भी बैंक अकाउंट इसमें ऐड करके नहीं रखा है। अगर हम ऐड करना चाहें तो सेटअप न्यू अकाउंट पर क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं। जो बैंक अकाउंट इसमें सेटअप हो जाएगा तो उस बैंक अकाउंट से हर महीने की 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में पेमेंट हो जाया करेगी, हमें खुद से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर हम सिंपल से ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ चार्जेस एंड फीस, यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद पेटीएम पोस्टपेड के कितने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर कितनी लेट फीस लगती है वो सब हमें इस लिस्ट में देखने को मिल जाती है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, अगर हमारा इतना ड्यू बैलेंस होगा और अगर हम टाइम पर पेमेंट नहीं करेंगे, 7 तारीख तक ड्यू बैलेंस को अगर हम पे नहीं करेंगे तो इतना लेट चार्ज हमारे यूज किए हुए अमाउंट पर लग जाएगा। तो गाइस चलिए अब नीचे की साइड इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से हमें 3 तरीके की लिमिट मिलती है, पेटीएम पोस्टपेड लाइट, पेटीएम पोस्टपेड मिनी और पेटीएम पोस्टपेड डिलाइट। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर हमें पेटीएम की तरफ से लाइट या फिर मिनी लिमिट मिलती है तो 1% से लेकर 3% तक की उसमें कन्वीनियंस फीस लगती है, जितना भी बैलेंस हम उसका महीने भर में यूज करते हैं।
सकते हैं। और अगर हमें पेटीएम की तरफ से डीलाइट लिमिट मिली हुई है तो बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के उस लिमिट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो मुझे ये पेटीएम की तरफ से डीलाइट लिमिट मिली हुई है, आप देख सकते हो, और इसका कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं होता, कन्वीनियंस फी में 0% लिखा हुआ है। तो गाइस देखिए, मेरे फैमिली के दूसरे पेटीएम के अकाउंट में 40,000 रुपए की पेटीएम पोस्टपेड की लाइट लिमिट मिली हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाइट और मिनी लिमिट्स में 1% से लेकर 3% तक की कन्वीनियंस फीस लगती है। तो यहाँ पर डीलाइट लिमिट में 0 कन्वीनियंस फीस शो हो रही है और लाइट लिमिट में यहाँ पर 1% की कन्वीनियंस फीस शो हो रही है। तो इसकी लिमिट को हम जितना भी यूज करेंगे महीने भर में, तो अगले महीने की जब 1 तारीख को बिल जनरेट होगा तो हमारे यूज किए हुए अमाउंट पर 1% की कन्वीनियंस फीस लग जाएगी। अगर हम 1,000 रुपए यूज करेंगे तो 10 रुपए की फीस लगेगी, अगर हम 10,000 रुपए यूज करेंगे तो 100 रुपए की फीस लगेगी। किसी को 1%, किसी को 2% या फिर किसी को 3% तक की ये कन्वीनियंस फीस पे करनी होती है। तो जितना यहाँ पर शो हो रहा है उतना हमें पे करना होगा। इसमें 0 लिखा हुआ है तो हमें कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर 1% लिखा हुआ है तो हमें 1% की ये फीस पे करनी होती है। अब गाइस यहाँ पर अगर हम पेटीएम ऐप की तरफ से कोई कस्टमर केयर से रिलेटेड सपोर्ट लेना चाहें तो नीचे की साइड कॉन्टेक्ट कस्टमर केयर का ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड कोई हेल्प लेना चाहें या फिर कोई जानकारी लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। हम किस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हेल्प लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके हम जानकारी भी ले सकते हैं। और गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन आंसर देखना चाहें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पेटीएम पोस्टपेड फैक्स। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड उनके आंसर हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हम पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं या फिर हमारी पोस्टपेड लिमिट किस तरीके से कैलकुलेट होती है और पेटीएम पोस्टपेड लाइट क्या होती है, सारी जानकारी इसमें हमें पेज में देखने को मिल जाती है। तो गाइस देखिए, अब काफी सारे व्यूवर्स कमेंट में ये सवाल करते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड के यूज किए हुए बैलेंस को हम ईएमआई में पे कर सकते हैं या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से ये ईएमआई की फैसिलिटी अभी नहीं आई है। अगर फ्यूचर में कभी आती है तो वीडियो के थ्रू मैं आपको जरूर बताऊंगा। जितना भी बैलेंस हम यूज करते हैं उतना टोटल अमाउंट हमें पे करना होता है। तो चलिए, ये 60,000 रुपए का बैलेंस जो मैंने अपने बैंक में ट्रांसफर किया है इसको मैं पे कर देता हूँ, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो यहाँ पर नीचे की साइड प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस 60,000 रुपए हमारा शो हो रहा है, तो प्रोसीड टू पे हमें यहाँ से इस तरीके से कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का पेज ओपन हो चुका है। हम पेटीएम पेमेंट बैंक, यूपीआई बैंक अकाउंट, डेबिट एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग से इस बिल को हम पे कर सकते हैं। और गाइस देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पेटीएम पोस्टपेड का बिल पेमेंट करने के लिए हमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस देखिए, क्रेडिट कार्ड से पेटीएम पोस्टपेड का बिल हम डायरेक्टली पे नहीं कर सकते। लेकिन गाइस देखिए, अगर हम थोड़ा माइंड लगाएं, थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर हम ट्रिक को अप्लाई करें तो किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से हम पोस्टपेड का बिल भी पे कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद क्रेडिट कार्ड से आप पोस्टपेड का बिल पे करना सीख जाएंगे। तो गाइस चलिए, इस बिल को हम अपने बैंक अकाउंट से पे कर देते हैं। तो पे ऑप्शन पर हम इस तरीके से क्लिक करेंगे और यूपीआई पिन हमें एंटर कर देना है, उसके बाद हमें इस तरीके से कंफर्म कर देना है। अब गाइस देखिए, एक क्लिक में पेटीएम पोस्टपेड का जितना भी हमारा ड्यू बैलेंस है वो हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पे हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, लिखा हुआ है बिल पेड सक्सेसफुली, 60,000 रुपए का ये हमने ड्यू बैलेंस पे कर दिया है टोटल अपने बैंक अकाउंट से। और गाइस देखिए, 60,000 रुपए का बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट से कट चुका है और पेटीएम पोस्टपेड की हमारी लिमिट मेंटेन हो चुकी है। अवेलेबल टू स्पेंड 60,000 रुपीज हमारी टोटल लिमिट यहाँ पर शो हो रही है। अब इस लिमिट को किसी भी रिचार्ज बिल पेमेंट में हम फिर से यूज कर सकते हैं या फिर से इसको हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहें तो बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड की ये जो फैसिलिटी है ये हम सभी यूजर्स के लिए काफी अच्छी फैसिलिटी है। अगर हमें पैसों की जरूरत है तो पोस्टपेड के इस बैलेंस को डायरेक्टली हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उस पैसे को हम एटीएम कार्ड से या फिर चेक के थ्रू कैश विड्रॉ कर सकते हैं और उस पैसे को हम किसी भी यूज में ले सकते हैं, और एक महीने के बाद ड्यू डेट पर पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को हम पे करके फिर से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से मिलने वाली 60,000 रुपए की ये जो पोस्टपेड लिमिट की फैसिलिटी है ये काफी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी है। अगर हम किसी ऐप से या फिर किसी भी बैंक से अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें हमें 20-25% तक का इंटरेस्ट करना होता है और साथ ही साथ हमें प्रोसेसिंग फीस भी उसमें पे करनी होती है। लेकिन गाइस देखिए, अगर हमें पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से लिमिट मिली हुई है तो इस पैसे को डायरेक्ट हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। जितना हम ट्रांसफर करते हैं उतना ही पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता है, इसमें कोई भी किसी तरह का प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं कटता है। अगर 1% की कन्वीनियंस फीस लग भी जाती है लाइट और मिनी लिमिट में तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, हमारा पैसा बैंक में भी ट्रांसफर हो जाता है और उसको हम किसी भी यूज में ले सकते हैं कैश विड्रॉ करके। और गाइस देखिए, अगर आपको मेरी तरह पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से डीलाइट लिमिट मिल जाती है तो इस लिमिट के बैलेंस को आप महीने के 30 दिन और साल के 12 महीने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो बस गाइस, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो में पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।